लिखिए, चलिए प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस फ्रैक्शन एक्स, कॉस फ्रैक्शन एक्स। ध्यान से देखिए, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, कैसे अप्रोच कर रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, मैं उसको कैच करने की कोशिश करिए और आगे आपको प्रॉब्लम दी भी जाएंगी करने के लिए। ध्यान से देखना, कॉस ऑफ फ्रैक्शन एक्स, इसकी रेंज मुझे निकालनी है। अगर मैं इसकी डोमेन के बारे में बात करूं तो डोमेन क्या होगी, मतलब कॉस की डोमेन होती है ऑल रियल एक्स एंड फ्रैक्शन एक्स ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए डिफाइंड है, और इसका जो आउटपुट है 0 to 1 होता है। तो मुझे लगता है डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इज -∞ to +∞। अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ओके, अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो रेंज है क्या है, अल्टीमेटली वेरिएशन ऑफ एफएक्स, मतलब एफएक्स का वेरिएशन क्या क्या ऑब्टेंड हुआ मेरे पास, एफएक्स की जो वैल्यूज हैं जो ऑब्टेंड हुई हैं उनसे क्या सेट बन रहा है। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन एक्स को टी अज्यूम किया, टी, बहुत ध्यान से देखना इस स्टेप को, समझना। अगर मैं फ्रैक्शन एक्स को टी अज्यूम करता हूं तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर जो कि है, इसका मतलब क्या होगा, टी कहां से कहां तक होगा, टी इज एलिमेंट ऑफ 0 close to 1 open। अगर मैं फ्रैक्शन एक्स को टी अज्यूम करता हूं और एक्स एलिमेंट ऑफ आर है तो टी कहां से कहां तक जाएगा, 0 close to 1 open, ओके, 0 close to 1 open, यस। अब ध्यान से सुनना, जो मेरे पास एफएक्स का वेरिएशन है, सेम वेरिएशन ऑब्टेंड होगा किसका, जी ऑफ टी का। अगर मैं जी ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखता हूं, जी ऑफ टी में लिख रहा हूं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है ना। अगर मैं जी ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी लिखता हूं तो जो वेरिएशन एफएक्स का एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, सेम वेरिएशन जी ऑफ टी का होगा, लेकिन टी पे कंस्टेंट एप्लीकेबल हैं, टी कहां से कहां तक होंगे, 0 close to 1 open, ओके। तो नाउ जो प्रॉब्लम कॉस ऑफ फ्रैक्शन एक्स की रेंज मुझे निकालना एक प्रॉब्लम थी, तो उसकी रेंज निकालने का मतलब यह है कि मुझे जी ऑफ टी की रेंज निकालनी है और या कॉस ऑफ टी का वेरिएशन देखना है जब टी कहां से कहां तक जा रहा है, 0 close to 1 open। अब ध्यान से देखिए, ये एक आसान सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है। हम में से सभी जानते हैं कि कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा जाता है, ओके, ये 0, ये π/2। लेकिन मैं इस ग्राफ में इंटरेस्टेड किसमें हूं, ओनली फॉर 0 close to 1 open। तो ये π/2 मतलब 3.14/2, 1 point something होता है, तो 1 यहां कहीं होगा। तो जब मेरा t यहां से यहां तक जाएगा, ये gt वर्सेस t ग्राफ है, ध्यान से सुनना, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ नहीं है, ये ओनली एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम रेंज निकाल पा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से। ये gt वर्सेस t है, अगर t 0 से 1 तक जा रहा है तो cos t का जो वेरिएशन है वो डिक्रीजिंग है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम यहां पे कितना होता है, 0 पे 1 होता है और 1 पे क्या आएगा, cos 1, लेकिन ये ओपन होगा, ओपन लाइक। तो मेरे पास क्या आया, जी ऑफ टी इक्वल टू cos t की रेंज क्या आ गई, नो, ओपन 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 भैया, ओपन ओपन cos 1 टू 1 क्लोज, मतलब ध्यान से देखिए, ये जो वेरिएशन है ये, इस बात को दिमाग में रखना कि ये ग्राफ नहीं है एफएक्स का, वो अलग है, वो पीरियडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड 1, लेकिन रेंज वाइज जो वेरिएशन एफएक्स का कॉस ऑफ फ्रैक्शन एक्स का एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए होगा, सेम वेरिएशन जी ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी का होगा, लेकिन टी कहां से कहां तक जाए, 0 close to 1 open, ठीक है, समझ आ गया, ओके।